हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 हमारा चल रहा है, जिसमें हम आपको लेज़र पोस्ट करना सिखा रहे हैं कि किस तरीके से जर्नल में लेज़र पोस्ट करते हैं, और ये सब जो हम कर रहे हैं इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है ये भी हम आपको समझाएंगे। एक्चुअली में ऐसा हम काम क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं काउंटिंग में, ये आपको धीरे धीरे बातें समझ में आ जाएगी। तो देखिए, हमने क्या किया, जर्नल से अब हम सारे ट्रांजेक्शन को हमने सेपरेट कर दिया। जितना भी अलग अलग ट्रांजेक्शन है उसका सेपरेट अकाउंट हमने ओपन कर दिया, जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सब कुछ हमने अलग अलग कर दिया है। सेपरेट अकाउंट यानी कह सकते हो आप सेपरेट कंटेनर में हमने भेज दिया है। बताए थे मैंने आपको, राशन का सामान आता है, आप उसको कंटेनर में रखते हो, दाल अलग, चावल अलग, चाय पत्ती अलग, चीनी अलग, जितना भी सामान है सब कुछ अलग अलग कंटेनर में रखते हो। हमने भी वही काम किया। देखिए, सामान पैक है सारा, यानी सारे ट्रांजेक्शन को हमने किस तरीके से रिकॉर्ड किया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने सारे ट्रांजेक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है। अब आपसे हम पूछेंगे कि बताओ परचेस कितना है, तो आप यहाँ से खोजने लगोगे। तो देखिए, हमने एक परचेस को, जितना भी परचेस था वो सब को उठा करके एक कॉलम में यहाँ पर हमने डाल दिया। कहाँ गया, ये है आपका परचेस अकाउंट, एक कॉलम में रखा, एक कंटेनर में रखा, एक अकाउंट में रखा। अब लोग हम आपसे पूछते हैं अभी कि बताइए कैश का पोजीशन क्या है, तो आप यहाँ से देख करके बता नहीं पाओगे ठीक से, यार बहुत मुश्किल है बताना। तो जितना भी कैश था उसको उठा करके हमने एक कंटेनर यानी एक अकाउंट में, हमने कैश अकाउंट में सब कुछ यहाँ पर डाला, जो कैश आया उसे भी और जो कैश गया उसे भी, सब कुछ एक कंटेनर में यानी एक अकाउंट में हमने रखा। कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सुभाष, सुभाष कौन है हमारा, क्रेडिटर है, बगल में हम लिख देते हैं ये हमारा क्रेडिटर है क्योंकि उधार में हमने परचेस किया था। फर्नीचर अकाउंट, रवि भी कौन है, देखिए हमने यहाँ रवि से परचेस किया था, परचेस टू रवि, तो परचेस भी ये रवि कौन है हमारा, क्रेडिटर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए क्रेडिटर। मशीन और रेंट, सबका सेपरेट सेपरेट अकाउंट खुल गया है। अब क्या करना होगा, अब हमको सबको बैलेंस करना होगा और पता करना होगा कि अभी फिलहाल अभी क्या पोजिशन है, कैश का, कैपिटल का, परचेस का, क्रेडिटर हमारा सुभाष का, फर्नीचर रवि हमारा क्रेडिटर, मशीनरी का और रेंट का, सब का पोजीशन अभी आपको पता चलेगा। चलो देखते हैं। तो ये साइट आपका है कैश अकाउंट है, आपका ये है डेबिट साइट और ये है आपका क्रेडिट साइट। जो भी पैसा आता है, कैश आपका रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो भी पैसा आया है उसे हम डेबिट किया है, जो भी पैसा गया है उसे हम क्रेडिट किया है। अब हमको करना होगा बैलेंस। तो देखिए, इधर हम टोटल करते हैं 20,000, 26,000, इधर हो गया आपका 8,000, 7,500 रुपया, ये सारा पैसा गया है जो बिजनेस से, 8,000 और 4,000। अगर आप क्रेडिट साइट को टोटल करिएगा तो आपका आएगा 49,900। इस साइट को अगर आप हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपका 49,900, ये टोटल करिएगा तो 49,900 आपका यहाँ पर आता है। और इधर कितना है, 50,000, यानी जो पैसा आया है, कैसे आया है पैसा, देखिए कैश टू कैपिटल, ऑनर ने लगाया है, तो बिजनेस में कैश आया है 50,000, यहाँ लिख देते हैं हम, थोड़ा सा दिखाते हैं, ये आया है जो 50,000 और गया कितना है 49,500, आया है 50,000, गया है 49,900, यानी 100 रुपया बचा हुआ है। बैलेंस कितना बचा हुआ है, 100 रुपया। तो अब हम बैलेंस करते हैं इसको, यहाँ पे करेंगे, बताइए जनवरी का महीने का अंत कब होता है, 31 जनवरी, तो यहाँ लिखेंगे हम जनवरी 31st, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सी डी लिखेंगे हम यहाँ पे, इस कॉलम के अंदर ही लिखेंगे, और कितना बैलेंस बचा हुआ है, तो 50,000 में से माइनस कर दिए हम जो कि पैसा गया है 49,900, तो बैलेंस कितना बचा, इधर साइड भी लिखेंगे हम 100 रुपीज़ आपका बैलेंस बचा यहाँ पर, ठीक है। तो बताइए कि बड़ा किधर है, बड़ा जो साइड है वो आपका डेबिट साइड है और छोटा जो साइड है वो आपका क्रेडिट साइड है, क्योंकि बड़ा यानी 50,000 रुपये है आपका और कम किधर है 49,900 क्रेडिट साइड में, तो बचा कितना 100 रुपये, तो हम 100 रुपये यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट साइड में, 100 रुपये लिखेंगे। लेकिन ये आया किसकी वजह से है, 100 रुपया, डेबिट साइड ज़्यादा होने की वजह से क्रेडिट साइड में हमको 100 रुपया लिखना पड़ा, इसीलिए ये आपका क्रेडिट साइड में 100 रुपया दिख रहा है, आया है
डेबिट साइड की वजह से 100 रुपये यहाँ ज़्यादा है, इसीलिए 100 रुपये हमको यहाँ, 100 रुपये यहाँ ज़्यादा है और यहाँ 100 रुपया कम है। तो यहाँ 100 रुपये हमको क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि डेबिट साइड बड़ा था। तो ये एक्चुअली में दिख रहा है क्रेडिट साइड में, लेकिन है ये डेबिट बैलेंस, क्योंकि आया है डेबिट साइड की वजह से। तो ये है डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे टोटल कर देते हैं। टोटल हो जाएगा, देखिएगा 49,900 तो है, 100 रुपये और आ गया, तो ये हो गया 50,000। और यहाँ पर टोटल करते हैं तो ये भी आ जाएगा आपका 50,000। हो गया, पहले सबको बैलेंस कर लेते हैं, इसको बैलेंसिंग कहते हैं। इसको पहले हम समझाएंगे सबको, पहले बैलेंस करने दो हमको। इसके बाद यहाँ पर आप लिख दोगे जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी। तो इसको फिर से नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र करोगे तो ये हो जाएगा 2019 तो है, 1 फरवरी। यहाँ पे लिखोगे थोड़ा सा, यहाँ इसको हटाते हैं साफ साफ दिखने के लिए। यहाँ पे आप लिखोगे 2 बैलेंस BD, यानी ब्राउट डाउन, कितना बैलेंस बचा, 100 रुपये। तो आप 100 रुपये यहाँ पर लेकर आओगे। इसको हम लिख देते हैं, ये क्या था आपका कैपिटल अकाउंट, 100 रुपये यहाँ पर लेकर आओगे नेक्स्ट मंथ 1 फरवरी। बैलेंस CD का मतलब कैरिड डाउन, ये नेक्स्ट मंथ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं CD का मतलब हो गया यहाँ पर कैरिड डाउन, और यहाँ पर हो गया ब्राउट डाउन, यानी यहाँ पर बैलेंस आ गया। कैरिड डाउन का मतलब कैरी करना है और नीचे ले जाना है, डाउन करना है इसको। तो कैरिड डाउन यहाँ पर आया, तो ब्राउट डाउन यहाँ पर बैलेंस आ गया, यही मतलब होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे कैरिड डाउन, ब्राउट डाउन, ये करना है आपका। अब जितना भी हम बैलेंस करेंगे, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, जब बैलेंस करेंगे तो कैरिड डाउन ही लिखेंगे, चाहे डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, उसको फिलहाल आपको नीचे लेकर के जाना है, नेक्स्ट मंथ में लेके जाना है, तो कैरिड डाउन ही लिखेंगे। और जब यहाँ आ जाएगा तो इसको हम ब्राउट डाउन लिखेंगे। अब चलिए दूसरा जो अकाउंट है इसको बैलेंस करते हैं। बताइए क्रेडिट साइड में कितना दिख रहा है, 50,000 दिख रहा है क्या, डेबिट साइड में एक भी बैलेंस दिख रहा है, नहीं। तो बैलेंस करेंगे कैसे करेंगे, लिखेंगे पहले 2019 और यहाँ लिखेंगे 31 जनवरी, महीने का अंत, लिखेंगे 2, थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं 31 जनवरी 2 बैलेंस CD, क्योंकि अब CD करेंगे कैरिड डाउन, फिर जब उसको नेक्स्ट मंथ में लेके जाएंगे तो ब्राउट डाउन। बताइए क्रेडिट साइड में कितना है, 50,000, और डेबिट साइड में कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ है ही नहीं माइनस करने के लायक, तो 50 में 0 गया तो कितना हुआ, 50,000 ही रहेगा यहाँ पे। तो 50,000 यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब इसको हम करते हैं टोटल, टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे भी 50,000। इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2019 यहाँ पे 1 फरवरी, जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD 50,000, ये कर दिया हमने ट्रांसफ़र। तो ये दिख रहा है आपका डेबिट साइड में, लेकिन एक्चुअली में ये आया किसकी वजह से है, क्रेडिट साइड की वजह से, इसलिए ये आपका क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस है, दिख रहा है डेबिट साइड में लेकिन है ये क्रेडिट बैलेंस आपका, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। इसके बाद परचेस को देखते हैं टोटल करके, कि डेबिट में परचेस आपका टोटल कितना है। तो हो गया 20,127,500 और हो गया आपका 5,000, तो टोटल होगा 44,500। इसको हम टोटल करेंगे तो 44,500 है। क्या आपका क्रेडिट साइड में भी कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं है आपका। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैलेंस करते हैं 2019 31 जनवरी बाय बैलेंस को आप लोग पूरा लिखिएगा CD कैरिड डाउन, कितना 44,500, ये हमने किया। अब टोटल कर देते हैं, टोटल करेंगे तो ये भी आएगा 44,500 और यहाँ आएगा 44,500। ये जो बैलेंस आपका हमने बैलेंस किया ये आया किसकी वजह से, डेबिट साइड की वजह से, क्रेडिट साइड में तो कुछ था नहीं माइनस करने लायक, तो पूरा का पूरा यहाँ पर 44,500 हमने यहाँ लिखा है, आया किसकी वजह से है, डेबिट साइड की वजह से, इसलिए डेबिट बैलेंस है। अब इसको नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर कर देंगे तो 1 फरवरी यहाँ पर 2
बैलेंस बी डी, आप सुभाष को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, सुभाष अकाउंट, और यहाँ हो जाएगा आपका 44,500, ये होगा। इसके बाद आपका क्या है, तो सुभाष है ना, इसके बाद क्या है आपका, सुभाष का अकाउंट है यहाँ पे लेजर में। तो सुभाष देखोगे यहाँ पर हमारा कितना है, 12,000 है क्रेडिट साइड में, और डेबिट में कितना है 8,000। तो बड़ा किधर है 12, और इधर कितना है 8। तो जब हम बैलेंस करेंगे तो बताइए इधर कितना लिखना पड़ेगा, तो 12 में से 8 गया, यहाँ पर लिखना होगा 4,000। ठीक है, करेंगे टू बैलेंस सी डी 31st January। अब इसको हम टोटल कर देते हैं, तो इधर भी हो गया आपका 12,000 और इधर भी हो गया आपका 12,000। ये 4,000 रुपये जो है वो कौन सा बैलेंस है, आया किधर साइड की वजह से, क्रेडिट साइड की वजह से आया, इसलिए क्रेडिट बैलेंस है 4,000, ध्यान में रखना। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा ये है 1st February 2019, तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पे कर देंगे हम बाय बैलेंस बी डी, वहाँ किए थे कैरिड डाउन, यहाँ करेंगे ब्राउट डाउन, कितना 4,000 रुपीज, ये हुआ आपका। इसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर आपका यहाँ पर डेबिट साइड में दिख रहा है 6,000 रुपये, बैलेंस करेंगे इसको तो 2019 31st January बाय बैलेंस सी डी, डेबिट साइड में 6,000, क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट दिख रहा है नहीं, तो बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा 6,000 रुपये। ठीक, अब करते हैं इसको टोटल, तो टोटल हो जाएगा क्रेडिट साइड में 6,000, इधर भी हो जाएगा आपका 6,000। अब इस बैलेंस को जो है दिख रहा है क्रेडिट साइड में, दिख रहा है ये क्रेडिट साइड में, लेकिन एक्चुअली में डेबिट साइड की वजह है, तो ये डेबिट बैलेंस है आपका। नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1st February टू बैलेंस बी डी 6,000 रुपीज, ये होगा। आगे परचेस क्रेडिट है, ये सॉरी रवि यहाँ पर क्रेडिट है 5,000 से, तो इसको हम बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा 2019 31st January टू बैलेंस सी डी 5,000, क्योंकि घटाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो 5,000 और टोटल कर देंगे तो इधर भी हो जाएगा 5,000, इधर भी हो जाएगा 5,000। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 फरवरी बाय बैलेंस बी डी 5,000। ठीक है, तो ये एक्चुअली में कौन सा बैलेंस है, आया किधर की वजह से, क्रेडिट साइड में से, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, बार बार इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्या है, मशीनरी है आपका, डेबिट साइड में दिख रहा है 8,000, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। लिखते हैं यहाँ पर 2019 31st January बाय बैलेंस सी डी, कितना, घटाने की कुछ भी नहीं है, तो 8,000 हो जाएगा। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, 8,000 यहाँ पर भी 8,000। ये जो आपका दिख रहा है बैलेंस डेबिट साइड की वजह से क्रेडिट साइड में 8,000 लिखना पड़ा, तो ये आपका डेबिट बैलेंस है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं रेंट पे, दिख रहा है 400, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो बैलेंस करने के लिए 400 यहाँ लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी कितना 400, टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 400 और ये हो गया आपका 400। इसको नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 फरवरी टू बैलेंस बी डी 400, ये बन के आपका तैयार है। लीजिए, सारा लेज़र पोस्ट हो गया,
अब इसी लेज़र की मदद से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अब हम सबका मतलब समझेंगे कि क्या मतलब, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या बताना चाह रहा था लेज़र आपको, ये आपका ध्यान में रखना। ये जो बैलेंस की है ये आया है डेबिट साइड की वजह से, इसलिए डेबिट बैलेंस है। अब चलो इसका मतलब समझते हैं। हम आपसे जर्नल से पूछते हैं, जर्नल देख करके बताइए कि मेरा अभी कैश का क्या पोजीशन है, देख के बताइए। नहीं पता चल रहा है, खोजना पड़ेगा, पेज पलटना होगा, नहीं बता पाइएगा, बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमने क्या कर दिया, जर्नल से लेज़र में अब क्लासिफाई कर दिया, हर एक ट्रांजेक्शन का अलग अकाउंट हमने खोल दिया यहाँ पर, जैसे कैश अकाउंट। अब बताइए कैश का क्या पोजीशन है, आप एक बार में बता दोगे, हमने सब कुछ कर लिया है, बताइए कैश का क्या पोजीशन है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी कैश आया वो डेबिट साइड में है, और जो भी कैश गया कितना 49,000, तो कितना बचा कैश का पोजीशन, 100 रुपया कैश बिजनेस में मात्र अभी बचा हुआ है, कैश इन हैंड जो है बिजनेस के पास वो 100 रुपया कैश बिजनेस में है। 50,000 था जिसमें से 49,900 चला गया है, 50,000 में से 49,900 चला गया आपका, तो 100 रुपया बैलेंस बचा हुआ है बिजनेस में। एक बार में आपने बता दिया, बताओ जर्नल को देख करके कैसे बताओगे ये बात, नहीं बता पाओगे। देखिए लेज़र आपको ये इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्टली साफ साफ सामने में दे दिया, ये इन्फॉर्मेशन निकल के आया। चलो अब देखते हैं कैपिटल के बारे में, दूसरा क्या है कैपिटल, हम बताएंगे आपसे, बताइए कि कैपिटल का क्या पोजीशन है। ठीक है, जो है आपका कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया है ऑनर, तो आप कैपिटल वहाँ पे बता सकते हो कि सर कैपिटल 50,000 है, ये देख के बता सकते हो। लेकिन हम आपसे यहाँ अगर आप बोले कि साफ साफ बताइए, तो देखिए लेज़र में आपका आराम से सब कुछ दिख रहा है, बताइए कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस किधर होता है, क्रेडिट साइड में है ना, तो क्रेडिट साइड में कितना है 50,000 बैलेंस, ये एक्चुअली में कौन सा बैलेंस है, आया है डेबिट क्रेडिट साइड की वजह से, इसलिए क्रेडिट बैलेंस है। तो कैपिटल कितना है 50,000 का, एक झटका पता चल गया, वहाँ पे हमको खोजने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपसे हम पूछते हैं कि बताइए परचेस का क्या पोजीशन है, कितना परचेस किया है बिजनेस ने, टोटल परचेस बताइए। तो आप यहाँ पे लगोगे खोजने, देखिए परचेस 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 परचेस, इसी तरीके से आगे भी आप खोजते रह जाओगे। हम आपसे पूछते हैं लेज़र में बताइए, बताइए कि टोटल परचेस कितना है। तो देखिए परचेस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन है ना, तो परचेस एक्चुअली में अगर आप सब क्लियरली देखोगे तो नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एक्सपेंस माना गया है बिजनेस में, लेकिन हम स्टॉक बढ़ने के सेंस में हम रियल अकाउंट से चलते हैं। तो परचेस का सारा बैलेंस जो भी आपने परचेस किया वो किधर किया, डेबिट। तो देखिए डेबिट में टोटल कितना है, आप यहाँ पर देखोगे कि टोटल डेबिट जो है हमने बैलेंस किया है कोई भी यहाँ पर 44,500। तो टोटल परचेस कितना है 44,500, एक झटके में पता चल रहा है हमको परचेस अकाउंट से कि हमारा टोटल परचेस जो है वो 44,500 का है, यानी अभी मेरे पास स्टॉक कितने का मेंटेन है बिजनेस में, कितने का सामान बेचने के लिए, कितने का है सामान बेचने के लिए, तो 44,500। जर्नल देख के बताओ, नहीं बता पाओगे। लेज़र देख के बताओ, एक झटके में 44,500 ये आपका अभी स्टॉक है 44,500 का, एक बार मैं बता रहे हो टोटल परचेस इतना है। अब पूछेंगे आपसे कि हमने यहाँ पे परचेस किया था उधार में सुभाष से, सुभाष है हमारा क्रेडिटर, बताइए हमारा क्रेडिटर का क्या पोजीशन है, क्या क्रेडिटर को कितना क्रेडिटर है, अभी कितना बकाया है। देखो क्रेडिटर होता है हमारा लायबिलिटी, और लायबिलिटी था कितने का, टोटल कितने का उधार में परचेस किया था बिजनेस ने 12,000 का, तो लायबिलिटी था 12,000 का, इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड में 12,000 है, जिसमें से देखिए 10 तारीख को 8,000 का पेमेंट किया है हमने, वहाँ पर देखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप देखो 12,000 यहाँ पे है, जिसमें से पेमेंट कितना चला गया है 8,000 रुपये पे कर दिया, तो अभी भी क्रेडिटर कितना है 4,000 रुपये, याद रखिएगा ये डेबिट साइड में दिख रहा है लेकिन क्रेडिट बैलेंस है, तो अभी भी क्रेडिटर मेरा 4,000 का है, यानी सुभाष को 4,000 रुपये बिजनेस को पे करना है, एक झटके में पता चल रहा है। हम बोलेंगे कि क्रेडिटर को कितना, क्रेडिटर का पोजीशन बताइए, तो पोजीशन ये है कि 12,000 का क्रेडिटर था, 8,000 रुपये हमने पेमेंट कर दिया है, तो 4,000 रुपये और पेमेंट करना है फिलहाल, जो हमारा सुभाष जो क्रेडिटर है उसको 4,000 रुपये बिजनेस को और पे करना है, एक झटके में पता चल रहा है, खोजने की ज़रूरत नहीं है। हम पूछते हैं फर्नीचर का पोजीशन बताइए क्या है, फर्नीचर अभी कितना है बिजनेस में,
साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर फर्नीचर 6000 का है, कोई फर्नीचर यहाँ पर बिका नहीं है, गया नहीं है, तो 6000 का बैलेंस बचा हुआ है, यानी 6000 का फर्नीचर बिजनेस में है। और फर्नीचर चूंकि एसेट है तो बैलेंस हमेशा डेबिट होता है इसका। तो ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है आपका फर्नीचर का। इसके बाद रवि से भी हमने उधार में सामान खरीदा था, चूंकि यहाँ पर जर्नल है इसीलिए हम यहाँ पे आपको बता रहे, देखे 17 तारीख को परचेस टू रवि यानी उधार में खरीदा गया है। क्या किया गया है? उधार में परचेस किया गया है। तो रवि कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ, आपने उधार में परचेस किया है। बताइए कि रवि का क्या है, कि रवि को कितना पे करना है? तो 5000 रुपया रवि है, इधर कोई भी कैश इसको पेमेंट नहीं किया गया है, तो इसका मतलब 5000 रुपया रवि को भी पे करना है। एक झटके में पता चल रहा है, आपको खोजने की जरूरत नहीं है। अगर जर्नल रहेगा तो आप उसको पेज पलट के रवि कहाँ है रवि कहाँ है खोजते रहोगे। यहाँ देखो ना, सीधा पता चल रहा है रवि को कितना पे करना है, 5000 रुपये। ये 5000 रुपये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, दिख रहा है डेबिट साइड में आया है क्रेडिट साइड की वजह से, इसलिए क्रेडिट बैलेंस है। खत्म बात। मशीनरी का क्या पोजीशन है? क्या है मशीनरी, क्या है बताइए, कितने का है मशीन? तो हो सकता है कि आपने मशीनरी 1 से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार परचेस किया हो, फिलहाल यहाँ पर एक बार है, छोटा सा ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर उठाए हैं। तो मशीनरी का क्या पोजीशन है यहाँ पर बताइए? तो मशीन आपका डेबिट साइड में जो दिख रहा है वो है आपका 8000 रुपये का, यहाँ पर मशीन दिख रहा है। क्या कोई मशीन बेचा गया है? नहीं, 8000 का है। क्या और परचेस किया गया है? नहीं, अभी फिलहाल एक ही दिख रहा है, 8000 का मशीन है। तो कितने का मशीन है? 8000, यानी मशीन कितना है बिजनेस में अभी? 8000 का मशीन है फिलहाल, इतना से पता चल रहा है। 8000 का मशीन है, दिख रहा है क्रेडिट साइड में, मशीनरी एसेट है, हमेशा बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए ये क्या कौन सा बैलेंस है? डेबिट साइड में आया। किसकी वजह से है? डेबिट साइड की वजह से यहाँ पर 8000 आया है, तो ये डेबिट बैलेंस है। रेंट क्या होता है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस है तो किधर क्या बैलेंस होगा? डेबिट। देखिए क्या बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो अभी रेंट कितना पे किया गया है आपका? दो रेंट जो पे किया गया है वो 400 रुपये रेंट पे किया गया है, 400 रुपये यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ रेंट का पोजीशन, कि 400 रुपये रेंट पे किया गया है। हो गया, तो यही था आपका। अब बताइए कैश का क्या पोजीशन है? 100 रुपये बिजनेस में कैश है, कैपिटल 50000 रुपये का बिजनेस में है, ऑनर का पैसा 50000 रुपये है, परचेस कितना है? 44500 का परचेस है अभी। बताइए कि अभी हमको सुभाष अपने क्रेडिटर को कितना पे करना है? 4000 रुपये करना है। फर्नीचर कितना है अभी बिजनेस में? 6000 का फर्नीचर है। रवि यानी जो हमारा क्रेडिटर है उसको कितना पे करना है? 5000 रुपये पे करना है। मशीन कितने का है बिजनेस में? 8000 का मशीन अभी है बिजनेस में। रेंट कितना है बिजनेस का? कितना पे किया है? 4000 का रेंट पे किया है। एक बार में बता रहे हैं हम, फटाफट बता रहे हैं, देख के बता रहे हैं लेजर को। बताइए यहाँ से कैसे क्या पोजिशन है, खोजिए बैठ करके। बताइए परचेस का क्या पोजिशन है, खोजिए बैठ करके। बताइए सुभाष का क्या है, खोजिए बैठ करके। इसी कमी को दूर किया है हमने लेजर में पोस्ट करके। सारा देखो जितना भी यहाँ पर अकाउंट है सबको अलग अलग कर दिया है हमने, जैसे राशन आता है घर में सबको अलग अलग कंटेनर में भेज दिया है, उसी तरीके से सबको उठा करके अलग अलग कंटेनर यानी अलग अलग अकाउंट बना दिया है। सबका पोजीशन हमको फटाफट पता चल रहा है, अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसीलिए हम लेजर पोस्ट करते हैं, है ना। छोटा बिजनेस है, काम चल जाएगा आपका इससे, है ना, काम चल जाएगा जनरल से। बड़ा बिजनेस है, कितना करते रहोगे आप, जनरल कहाँ खोजते रहोगे आप, बड़ा बिजनेस है, लेज़र पे पोस्ट करोगे। और लेज़र के बाद ही जो है आप क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस। याद करो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, बिजनेस स्टार्ट किया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया, रिकॉर्ड किया जनरल में, फिर क्लासीफाई किया लेज़र में। अब आएंगे समराइजेशन पे, जिसमें हम आपका बनाएंगे ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे किसकी मदद से? लेजर की मदद से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और फिर फाइनल अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं हम आपका ट्रायल बैलेंस की मदद से। तो चलिए हम छोटा सा ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे बना के देखते हैं कि हमने जो बनाया है वो करेक्ट है या नहीं। तो ट्रायल बैलेंस लेजर के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को। अब बताइए कि ये जो हम बनाए हैं ये गलत है या सही है, पता नहीं कैसे कहें। तो हमको बनाना होगा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए ट्रायल बैलेंस, जो डेट होगा एज एट, यहां पे डेट आप लिख दोगे, ट्रायल बैलेंस आपका एक स्टेटमेंट है। तो हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिपेयर करके जानने की कोशिश करते हैं
कि हमने जो किया है वो गलत किया है या सही किया है। तो ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है, यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट्स, यानी जितना भी मेजर हेड है यहाँ पे सारे अकाउंट का नाम लिखेंगे। ये आपका डेबिट बैलेंस है और ये आपका क्रेडिट है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट हम सिर्फ बैलेंस को उठा के लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट करेंगे नहीं, डेबिट क्रेडिट हम ऑलरेडी यहाँ कर चुके हैं, बस उसके बैलेंस को उठा के लाना है। अब यहाँ पर देखोगे कौन कौन सा आपका अकाउंट है, एक मिनट देख लेते हैं सब कुछ आ रहा है। सबसे पहले जितना भी अकाउंट है उसका नाम लिखते हैं। पहला अकाउंट कौन सा है आपका? कैश अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे हम कैश अकाउंट। इसके बाद कौन सा दूसरा है? कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे हम थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, यहीं पे सबको हमको हटाना है, कैपिटल अकाउंट। फिर क्या है? परचेस। तो यहाँ लिखेंगे हम परचेस अकाउंट। फिर क्या है? सुभाष। तो यहाँ लिखेंगे हम सुभाष। इसके बाद क्या है? फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। हो गया कैश, कैपिटल, परचेस, सुभाष, फर्नीचर। फिर है रवि, तो यहाँ लिखेंगे रवि अकाउंट। फिर है आपका मशीनरी, मशीनरी अकाउंट। रेंट लास्ट लिखेंगे हम, रेंट अकाउंट। अब अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, मैच मतलब ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट यह होता है कि ट्रायल बैलेंस मैच करता है। अगर मैच कर गया, एक रुपये का भी डिफरेंस नहीं आया, डेबिट साइड भी बराबर, क्रेडिट साइड भी बराबर, तो इसका मतलब आपने जो भी किया है, चाहे जर्नल से लेकर के लेज़र तक में, आपने बिल्कुल करेक्ट किया है। लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को दिखाता है ट्रायल बैलेंस। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैसे दिखाएगा? जब ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, इसका मतलब कि आपने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। और एक बात याद रखना, लेज़र जो हम बनाते हैं वो एनालिटिकल ऑर्डर में बनाते हैं, आपका विश्लेषणात्मक रूप से हम इसका विश्लेषण करने के तौर पे बनाते हैं। तो लेज़र जो है वो एनालिटिकल ऑर्डर में हम बनाते हैं, जनरल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं, और ये हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। चलिए अब हमको कुछ नहीं करना है, ट्रायल बैलेंस बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बस कुछ नहीं करना, आपने कहा कुछ तो करना है, क्या करना है? देखो यहाँ पर सिर्फ बैलेंस को उठा करके ले जाना है। अब हमको दिमाग लड़ाने का कोई ज़रूरत इसमें नहीं है, इसलिए हम कह रहे थे कुछ नहीं करना है। ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट साइड में दिख रहा है लेकिन आया है डेबिट साइड की वजह से, तो ये डेबिट बैलेंस है। कैश का 100 रुपीज़ डेबिट बैलेंस है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे 100 रुपीज़ कैश अकाउंट के सामने, डेबिट साइड में 100। कैपिटल, ये कौन सा बैलेंस है? दिख रहा है क्रेडिट साइड में, सॉरी दिख रहा है डेबिट साइड में, है ये किसकी वजह से आया है? क्रेडिट साइड की वजह से, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और है ये 50,000 रुपीज़, लिख दिए। इसके बाद परचेज जो है ये क्या है आपका? चलिए परचेज का क्या है, तो परचेस का बैलेंस ये क्रेडिट साइड में दिख रहा है, बार बार नहीं बोलेंगे, क्रेडिट साइड में दिख रहा है, ये डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे आपका क्या? डेबिट साइड में 44,500। ये हो गया आपका। अब सुभाष, ये 4,000 दिख रहा है आपका क्रेडिट साइड में जो बैलेंस किया है, सॉरी दिख रहा है आपका डेबिट साइड में, है ये क्रेडिट बैलेंस। तो सुभाष क्रेडिट बैलेंस कितना है? 4,000 लिखेंगे। ऐसे भी क्रेडिटर जो है वो लायबिलिटी ही होता है, तो क्रेडिटर का हमेशा बैलेंस लायबिलिटी ही होगा, यानी क्रेडिट ही होगा, क्रेडिट हमेशा लायबिलिटी होता है, मतलब लायबिलिटी जो है आपका जितना भी लायबिलिटी है उसका बैलेंस क्रेडिट ही होता है, ये कहने का मतलब था। इसके बाद फर्नीचर, हमेशा बैलेंस इसका डेबिट होगा, एसेट है, तो ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में दिख रहा है, डेबिट बैलेंस है कितना? 6,000 रुपये। इसके बाद रवि, रवि क्रेडिटर है, क्रेडिट बैलेंस ही होगा, ये डेबिट साइड में दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस है कितना? 5,000 रुपीज़। ओके फर्नीचर डेबिट बैलेंस ही होगा, क्रेडिट साइड में दिख रहा है, डेबिट बैलेंस है। यहाँ पे हो गया मशीनरी, कितना मशीनरी है? 8,000। इसके बाद क्या बचा आपका? रेंट, देखिए रेंट के सामने लिखेंगे, ये रेंट एक्सपेंस है आपका, एक्सपेंस जो होता है हमेशा उसका डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड लिखेंगे 400 रुपीज़। अगर ये मैच किया तो हमने जो बनाया है वो करेक्ट बनाया है, अगर ये मैच नहीं करता है डेबिट क्रेडिट साइड, तो मतलब हमने जो बनाया है वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। तो देखते हैं
आपका डेबिट साइड अगर आप टोटल करोगे तो 59,000 आ रहा है। 59,000 डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड भी आप देख लो 54,000 और 59,000। तो दोनों साइड यानी ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट क्या होता है कि दोनों साइड आपका बराबर है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को दिखा रहा है। दोनों मैच कर गया मतलब आपने लेज़र में जो भी लेज़र पोस्ट किया है आपने वो बिल्कुल करेक्ट किया है, बैलेंसिंग वगैरह सब कुछ सही किया है। एक रुपये का भी डिफरेंस ट्रायल बैलेंस पर असर डाल देगा। जैसे अगर हम आपको यहाँ पर करके दिखाएं तो मान लेते हैं कि ये बैलेंस गलती हो गया लेज़र में और हम बैलेंस 400 की जगह 399 लिख दिए, एक रुपये का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप जब लेकर के आओगे ट्रायल बैलेंस में तो रेंट कितना दिखाओगे, रेंट आप डेबिट साइड में दिखाओगे 399। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 58,000, यहाँ पर 999 डिसमैच हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आपका 400 है और यहाँ भी 400 है। ठीक है, एक रुपये का भी कहीं डिफरेंस होगा चाहे आपका पोस्ट करने में, मान लो कि यहाँ पर एक रुपये का डिफरेंस हुआ तो जब आप इसको बैलेंस करोगे तो भी एक रुपये का डिफरेंस होगा और ये एक रुपये का डिफरेंस चला जाएगा आपका ट्रायल बैलेंस में, जिससे ट्रायल बैलेंस डिसमैच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका देखो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी दिखा रहा है, यानी लेज़र में जो आपने पोस्ट किया वो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इसी ट्रायल बैलेंस की मदद से हम बनाते हैं क्या, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट। हमेशा प्रोसेस याद रखना, बिजनेस स्टार्ट किया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया, रिकॉर्डिंग किया जर्नल में, लेजर पोस्ट किया, ट्रायल बैलेंस बनाया और ये ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, है ना। तो अब जब आपको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाएंगे, जब हम आपको बिजनेस का प्रॉफिट निकालने बताएंगे, बिजनेस का लॉस कैलकुलेट करने बताएंगे, फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे, तो हम ट्रायल बैलेंस की मदद से करेंगे। फिर आपको ये सारा काम नहीं करना होगा, ये जर्नल नहीं बनाना होगा, लेज़र नहीं करना होगा, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी सीख लिया है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, आपको इतना काम करना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ये ऑलरेडी सीख चुके हो। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस बन के यहाँ पर तैयार है, देखिए मैच कर गया है। अब जो है आप इस ट्रायल बैलेंस की मदद से चाहो तो फटाफट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। तो लेज़र पोस्टिंग मैंने आपको सिखाया, एक क्वेश्चन से और हम आपको सिखाएंगे कि लेज़र पोस्टिंग कैसे होता है। ये तो फिलहाल सिंपल क्वेश्चन था, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।